तो गाइज आप भी इस तरीके का 3D इफेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं अपने प्रीमियम प्रो के अंदर, तो मैं बताता हूँ किस तरीके से आप इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलाइए आप अपनी प्रीमियम प्रो की स्क्रीन पर। सबसे पहले आप जो क्लिप है अपना क्लिप इंपोर्ट कर लेंगे इसके अंदर, जैसे कि मैंने क्लिप है न्यूज़ का ये क्लिप ले रखा है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे कि ये अपने क्लिप है अपने उसको कट कर लेंगे जितना अपन को चाहिए टाइम लाइन पर डाल के, ठीक है। तो उसके बाद इस पर अपने इफेक्ट्स पर जाएंगे। इफेक्ट्स पर जाने के बाद अपन यहाँ पे करेंगे 3D बेसिक, बेसिक 3D मतलब आप कुछ भी ले सकते हो, थ्री बेसिक 3D आ जाएगा। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे अपन। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद अपन यहाँ पे आएंगे टिल्ट करना है। अब देखो टिल्ट किया अपन ने तो टिल्ट से क्या हो गया कि ये स्पेस खाली आ गया, और ये स्पेस अपन को भरना है पूरा। मान लो अपन को सिर्फ इतना इतना स्क्रीन दिखाना है, इतना इतना, ठीक है। तो अपन इसको पहले जूम कर लेते हैं, ये अपन को पूरा मैनुअली सेट करना पड़ेगा, ठीक है, कि अपन को कितना दिखाना है, कितना नहीं दिखाना है, कितना सेट करना है, कितना नहीं करना पूरा, ठीक है। जैसे कि अपन ने टिल्ट कर दिया, अब उसके बाद इसको टिल्ट कर दिया और ठीक है, इसको ये अपन वैल्यू छेड़ते रहेंगे इसमें, ठीक है, वैल्यूज़ के हिसाब से अपन करते रहेंगे। अब जिसको जूम इन कर दिया मैंने थोड़ा सा, अब क्या करेंगे, ये तीनों पर मैंने की फ्रेम लगाया, उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे आया यहाँ तक। अब इसको थोड़ा सा जूम आउट, ठीक है, इतना मान लो मैंने इतना जूम आउट किया, इसको माइनस में लेके जाते हैं वैल्यू को, ठीक है। अब इसको भी माइनस में लेके जाएंगे अपन। अब देखो हुआ ना, और इसमें अपन क्या कर सकते हैं, इसमें जैसे कि इसको थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं अपन, कितना चाहिए अपन को, जैसे कि अपन को सिर्फ 5 सेकंड तक का चाहिए, तो 5 सेकंड तक अपन इसको सेट कर दिया, ठीक है, ये यहाँ पे सेट हो गया। और उसके बाद अपन इसमें पेपर कम्बर इफेक्ट डाल देंगे, जैसे कि जो मैंने इंपोर्ट कर लिया है। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे किसी पे भी, ठीक है, मैं आपको ये फ्री में दे दूंगा। जैसे कि पीछे डाल दिया मैंने इसके पीछे। अब इसमें क्या करेंगे अपन, जो लेयर है लेयर पे क्लिक करके इफेक्ट्स कंट्रोल में जाके इसको ओपन कर देंगे मल्टीप्लाई। अब देखो इसको कर देते अपन फुल, तो बस इस तरीके से आप अपने प्रीमियर प्रो के अंदर 3D लेयर इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो बहुत ईजी वे में, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगली वीडियो के लिए। तो गाइस अब मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।